दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से मार दी है। जी हां दोस्तों, कैसा रहा मैच का हाल बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान की इस जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से करारी मार दी है। पाकिस्तान के गेंदबाजों द्वारा उम्दा गेंदबाजी और फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान की टीम पहले मुकाबले में पूरी तरह से बांग्लादेश पर हावी रही। बांग्लादेश ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 330 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 286 रन ही बना सकी और पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश ने 44 रनों की बढ़त हासिल कर ली। बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 157 रन ही बना सकी। बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में जीत के लिए 202 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके बाद पाकिस्तान ने मैच के पांचवे दिन के पहले सेशन में ही आसान से लक्ष्य को हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को मिले। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने मिलकर बांग्लादेश के साथ साथ बल्लेबाजों को आउट कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान की ओर से इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन ओपनर बल्लेबाज ने बनाए। आबिद अली ने 224 रन बनाए, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 125 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया और दोनों ने मिलकर बांग्लादेश के 14 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। बात करें पाकिस्तान के बल्लेबाजी की तो ओपनर बल्लेबाज आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी ने इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन किया है। दोनों ने मिलकर 349 रन बनाए हैं। आबिद अली को अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इस मैच में मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार दिया गया है। पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में 8 विकेटों से जीत दर्ज की है। वहीं सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ढाका के मैदान पर खेला जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कौन सी टीम जीतेगी? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।